सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल का। तो गाइस, जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो रेक्स था ना गाइस, उसको हमने कर दिया था यहाँ पे 30 लेवल का। एंड इसको मैक्स लेवल का करने के लिए अभी तुम्हारे भाई के पास बिल्कुल भी DNA बचा नहीं है। तो मेरे को समझ में आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे भाई? ठीक है, तो इसको जो ना मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते जो ना इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाके जो ना ये रेक जो ना वो मैक्स लेवल का हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए भाई, आपको जैसे कि पता है अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो, कि यहाँ पे शेक द अर्थ इवेंट चल रहा है और शेक द अर्थ में तुम्हारा भाई पूरी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पे टॉप 25 में। एंड मेरे को कुछ भी करके टॉप 5 में पहुंचना है, और इस बार वाला भी शेक द अर्थ 6 दिन का आएगा। 6 दिन का, आर यू कॉमेडी में भाई? 6 दिन, 6 दिन तक मैं करूंगा क्या भाई? पता नहीं भाई, देख लेते। चलो अपन बैटल ले लेके भाई टॉप 5 में पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद भाई जो रैंक होगी एंड तक, उसका रिवॉर्ड अपन को मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो चले गाइस, आज का जो एपिसोड है बिना किसी देरी के करते शुरू। लेकिन उससे पहले गाइस, जो भी नए बंदे यार गेमिंग विद एनी के चैनल पे, सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम जो है ना भाई यहाँ पे 50,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से जल्दी कर दो और 50,000 का गोल जो है ना वो कंप्लीट कर देना गाइस। ठीक है, तो चले भाई लोग, करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू। एंड यहाँ पे अपन चलेंगे सीधा सीधा फाइट में, क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। एंड यहाँ पे जो है ना, एक मिनट रुक जाओ, वाटर वाली बैटल लेने का? नहीं भाई, यहाँ पे तो बोल रहे कि लेजेंडरी डायन उतारो भाई। ये नहीं उतारने वाला भाई, ये तो मैंने शेख दर्द के लिए रखे है भाई। ठीक है, तो चले भाई लोग शेख दर्द में जाके भाई एकदम खतरनाक से बैटल लेते हैं। मेरे हिसाब से टॉप 10 में पहुंच जाएगा अपन। ओके, टॉप 10 में तो अपन पहुंच ही जाएंगा भाई। ऑलराइट, अभी भी जो है ना भाई उतने ज़्यादा ओपी वाले डायनोज लेके मत चल। ठीक है, अपने कतई ज़्यादा ओपी वाले डायनोज नहीं लेने अपन को, थोड़े से नल्लू नल्लू डायनोज के साथ भाई देखते हैं अपन टॉप 5 में स्टार्टिंग कर लेते। देखते कि यहाँ पे मैं बैटल जीत सकता हूँ क्या। अगर जीत सकता हूँ तो मैं नल्ले डायनोज ही यूज़ करूँगा, अगर नहीं जीत पाया तो फिर यहाँ पे भाई मेरे को स्ट्रॉन्ग डायनोज लेने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में जो डायनोज आया भाई, ओ भाई साहब, इस बार 2 वाटर वाले डायनो डाल दिए भाई। आर यू कॉमेडी मी भाई? ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई, 2 वाटर वाले डायनो क्यों डाल दिए भाई? हेलो, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? पिछली बार जब मैंने भाई पिछले एपिसोड में भाई घास फूस वाला डायनो नहीं लिया था तो 2 फ्लायर डाल दिए थे। आज मैंने घास फूस वाला डायनो लिया क्योंकि मेरे को लगा कि फ्लायर आएगा वापस। नहीं, इस बार इन्होंने वाटर डायनो डाल दिया भाई। ये भी सही है, अगर वो मरा, अगर ये मरा वैसे डायनो स्वाइप होगा, डायनो स्वाइप होगा इसको मारने के लिए, इसको मारने के लिए डायनो स्वाइप होगा। 2 शील्ड, अच्छा अटैक नहीं डाले मैंने भाई, 2 अटैक से डायनो स्वाइप होगा भाई, पक्का डायनो स्वाइप होगा। कम ऑन, कर ले भाई, कर ले, बनता है, डायनो स्वाइप कर दे भाई। भाई क्या कर रही है भाई, डायनो स्वाइप नहीं कर रहा। हाँ भाई साहब, ये हुई ना बात, डायनो स्वाइप 1 अटैक, काफ़ी बढ़िया। ऑल राइट, अभी इसको डाउन कोई कर सकता है क्या, बताओ मेरे को भाई? 4 अटैक्स में कोई डाउन कर सकता है भाई? तू कर सकता है ना भाई? आजा चल, आजा बनता है, पेल डाल डायरेक्टली, तोड़ दे, फोड़ दे, धोती फाड़ के रुमाल बना डाल भाई। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, इसको डाउन कर देगा, इसको बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास 3 अटैक्स रहेंगे। अगर मैं 1 शील्ड भी डाल देता हूँ ना तो 2 फटकों में मेरे को डाउन कर सकता है। ठीक है, बड़े आराम से, इसलिए मेरे को जो ना शील्ड में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है भाई, जो पाव किलो का दिमाग है ना वो लगाना पड़ता है भाई। 3 अटैक देगा, 96 डैमेज के साथ बूस्ट मिलता है उसको, तो 2 अटैक्स में मेरे को डाउन कर देगा भाई, काफ़ी बढ़िया। अपनी शील्ड तो 1 बज गया, अपन ने वो होल्ड में पॉइंट डाल दिया है। ओके, अभी आ चुका है अपना कतई ज़्यादा ओपी वाला डायनो। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना भाई, मैं यहाँ पे इसको डाउन करने के लिए 2-3 फटके दूंगा एंड 2 डाल दूंगा यहाँ पे वापस से होल्ड में। ओपोनेंट को लगेगा मैंने शील्ड में डाले भाई। ठीक है, ओपोनेंट का HP कितना है जरा एक बार देखा जाए यार, क्योंकि मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा HP, 266 एंड 102 डैमेज। वाओ नाइस, 3 अटैक्स लगेंगे यार, बस 3 अटैक्स लगेंगे मेरे को डाउन करने के लिए, ज़्यादा नहीं भाई। 4 दे दिए, हाउ, व्हाई, व्हाट? मेरे पास 2 शील्ड थी, मैं लगा 1 ही शील्ड है, काफ़ी बढ़िया। 50 भाई डैमेज, अच्छा हुआ कि मेरे 2 होल्ड वाले पॉइंट जो है ना यहाँ पे अभी काम आएंगे। ठीक है, ये ले बेटे भाई, 4 अटैक्स में भी मैं उसको डाउन कर सकता था वैसे, लेकिन कोई ना, चलो कोई ना भाई। 6 अटैक्स भाई, 6 अटैक्स डायरेक्टली डायनो यहाँ पे हो चुका है डाउन, और ये वाली बैटल भी अपन जीत चुके हैं। मतलब नल्ले डायनो जो है ना भाई अभी यूज़ कर सकता हूँ मैं, आई थिंक टॉप 10 या टॉप 5 में जो है ना वो नल्ले डायनोज यूज़ नहीं कर पाऊंगा यार मैं। ठीक है, देख लेते चलो क्या मिलता है भाई। ठीक है, ओके भाई, टॉप 10 में तो नहीं पहुंच पाया यार मैं। ठीक है चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे जो ना भाई स्पिन मार के देख लेते क्या मिलता है भाई। ठीक है, भाई 25 कॉइंस, वाव,
ये एक्सीलेंट वर्क ना मेरी बच्ची। ओके चलो हियर वी गो। अभी भाई एक और बैटल ले लेते हैं और इस बार रुक जाओ बैटल लेने से पहले जो ना भाई ये कोड 19 आया ना भाई, इसको भाई गायब कर लेते हैं। मिशन कंप्लीट हो चुके हैं भाई, इसको कलेक्ट कर लेते हैं भाई। ओके लेट्स गो। अभी यहाँ पे जो है ना भाई लोग अपन उतारने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार थोड़े से अच्छे डायनोस को उतारो, क्योंकि भाई अपन को हारना बिल्कुल नहीं है। तो क्या बोलती पब्लिक? मैंने चलो एक काम कर लेते हैं, नल्लू डायनो के साथ जो है ना भाई ट्राई मार रहे थे, अगर ये हार जाते हैं ना उसके बाद अच्छे डायनो उतारेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जब तक मैं नल्लू डायनोस उतार सकता हूँ ना उतार लेता हूँ, अपने डायनोस भी बचेंगे और आगे जो है ना भाई आज ही शायद क्या पता टॉप 1 में पहुंच जाओ, टॉप 5 में भाई। ओके वाह बेटे वाह, थोड़े से लग सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े से लग सकते हैं भाई। ऑल राइट चलो होल्ड में डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसके पास मेरे को हाइब्रिड दिखाई दे रहे और उसके बाद लेजेंडरी डायनोस दिखाई दे रहे गाइस, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। पर देखते हैं चलो क्या होता है, देखते हैं चलो क्या होता है भाई। ओके 79 डैमेज है भाई, डायनो स्वाइप 185 का डैमेज, ड्रैको रेक्स मिल चुका है पिछली बार वाला इसको। वाह बेटे वाह, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं भाई, ठीक है एक काम कर सकते हैं भाई, एकदम कतई ज़्यादा ओपी वाला काम करेगा तुम्हारा भाई, पता है क्या भाई, बेड बनाना, अपने ट्रैक को अपन बेड बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। ड्रैकोरिक्स काफ़ी ज़्यादा ओपी है यार, काश पिछली बार मिल जाता, लेकिन कोई ना इस बार का जनरेशन 2 वाला ट्रैक शायद अपन को मिल जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई। 2 अटैक्स है भाई, ड्रैकोरिक्स ने एक अटैक दे दिया, एक शील्ड है भाई, ठीक है चलो ओके सॉरी गाइस। ऑल राइट अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ट्रैक के पास 70 का डैमेज है, 89 हिलते हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो है ना भाई होल्ड में और शील्ड में डाल सकता, क्योंकि उसने तो शील्ड में डाला है भाई पक्का। ओके ठीक है चलो लेट्स गो। अभी देखते भाई 3 अटैक्स है, क्या करता है ये, क्योंकि इसको जितना अपन पागल बना के रखेंगे ना उतना अपने लिए सही रहेगा भाई, ठीक है। और राइट अगर 3 के 3 अटैक अगर भी डाल देता है तो मेरे लिए काफ़ी सही रहेगा, काफ़ी बढ़िया मेरे बच्चे काफ़ी बढ़िया, क्योंकि अपना अगला वाला डायनो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ओपी है भाई। ओके ये इसको बड़े आराम से डाउन कर देगा, मतलब उतना भी ज़्यादा ओपी नहीं लेकिन ठीक ठाक ही है भाई, ठीक है चलो फिर भी को बड़े आराम से इसको भाई 4 अटैक्स में डाउन कर दूंगा। अगले वाले डायनो से बचना जरूरी है क्या, डायनो स्वाइप होगा भाई 1 2 3 भाई, ठीक है ले बेटे चल बचना जरूरी है, भले वो अपने सामने जो है ना भाई वीक डायनो है लेकिन भाई वो हाइब्रिड है, डैमेज काफ़ी ओपी होगा भाई, हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है। अच्छा हुआ भाई, अच्छा हुआ यहाँ पे कि मैंने शील्ड में 3 पॉइंट डाले, डायनो स्वाइप करेगा ये, वे भी ये सोचेगा मैंने शील्ड में नहीं डाले तो ये 4 अटैक्स दे सकता है मेरे को, 2 अटैक दे दे 2 शील्ड है भाई, ठीक है काफ़ी बढ़िया, 2 अटैक 2 शील्ड। ओके तो 120 के साथ मैं इसको डाउन तो नहीं कर पाऊंगा भाई, इतना तो मेरे को कन्फर्म पता चल चुका है, तो यहाँ पे एक काम कर सकता मैं, ठीक है 4 होल्ड में और 1 शील्ड में डाल देता भाई, ठीक है 6 अटैक्स आ चुके हैं, अगर ये सोचेगा कि मैंने 5 होल्ड में भी डाला तो शायद ये सारे अटैक देगा, 5 अटैक दे दिए भाई, ठीक है 1 शील्ड है, ठीक है चल भाई कोई ना, 1 शील्ड है ना लेकिन मेरे पास अभी 8 अटैक आ चुके भाई, डैमेज मेरा काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन अगर मैं इसको डाउन कर पाया ना तो सही रहेगा भाई, देख लेता हूँ क्या होता है भाई। अबे यार ऐसे तो पूरा जिंदगी निकल जाएगा भाई, लेकिन ये डाउन ना हो पाएगा, अगले वो वाले डायनो का डैमेज कितना था, क्योंकि मेरे को भाई शील्ड में भी तो डालना है पॉइंट ताकि मैं बच पाऊँ। चल ले बेटे चल देखते क्या होता है, काफ़ी बढ़िया। ओके इसने 1 शील्ड में डाल के रखा है, नाइस डाउन हो चुका है भाई यहाँ पे। अभी मेरे को पता नहीं कि अगले वाले डायनो का डैमेज कितना है यार, अगर इसका डैमेज ज़्यादा हुआ ना 79 का डैमेज है, 4 फटकों में बड़े आराम से खा जाएगा यार मेरे को जी भाई, खत्म। अपने 1 शील्ड अपन को बचा नहीं भाई, डायनोस थोड़े से स्ट्रांग आ गए थे भाई, ठीक है मेरे को थोड़े और अच्छे अच्छे डायनोस जो है ना वो यहाँ पे उतारने पड़ेंगे, अपन का जो डायनोस है ना यहाँ पे काम नहीं करेंगे कॉमन वाले भाई, ठीक है अपन को थोड़े से अच्छे अच्छे डायनो उतारने पड़ेंगे। चलो एक और बैटल ले लेगा तुम्हारा भाई, और इस बार जो है ना भाई अपन सुपर रेयर डायनो उतारेंगे भाई, ठीक है ये वाली टीम उतारेंगे। एंड यहाँ पे जो है ना भाई फ्लायर को उतार दो, टैपेजरा को उतार देता ना, ठीक है लेट्स गो भाई टैपेजरा को उतार देता भाई, अपने रेयर डायनो को उतारेंगे। एंड ये बैटल अगर मैं जीत गया ना तो टॉप 5 में एंट्री कन्फर्म है भाई, ठीक है कन्फर्म टॉप 5 नहीं टॉप 10 में एंट्री भाई, ठीक है चलो। ऑपोनेंट के पास काफ़ी बढ़िया भाई, इस बार काफ़ी सही डायनोज है भाई, ठीक है पैची आ चुका है। एंड इसके पास एक खतरनाक वाला हाइब्रिड भी है जो कि भाई लगभग 8 लेवल का, मैं डायरेक्टली 1 गोल्ड में डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को जो है ना भाई यहाँ पे इसके 2 अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है इसके पास स्पाइनो है उससे थोड़ा सा डर लग सकता है अपन को, बट देख लेते चलो क्या होता है, क्या स्पाइनो में स्वाइप करेगा, भी कर सकता है बट स्पाइनो में स्वाइप डायनो स्वाइप स्पाइनोसॉरस। ओके ठीक है ऑल राइट एक अटैक है भाई, एक अटैक देगा, ओके एक अटैक नहीं दिया भाई, एक काम कर वाटर डायनो भाई, ठीक है लेट्स गो। ओके चलो भाई लोग अभी जो ना अपन सारे अटैक्स होल्ड में डाल देंगे,
क्योंकि मेरे को जो ना भाई यहाँ पे स्पाइनोसॉरस 3 फटकों में भी कुछ नहीं कर पाएगा, बिंदास थे अपन। अगर ये डायनोसॉर करेगा उसके पास 2 अटैक्स ही रहेंगे, और मेरे को नहीं लगता उसका डैमेज इतना ज़्यादा होगा कि ये मेरे को डाउन कर पाए। अगर डाउन कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ओ 200 डैमेज, वाओ। अटैक मत कर लूँ डे, अटैक मत कर, काफ़ी बढ़िया भाई, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। ओके ओके, ये इसका जो है ना भाई कतई ज़्यादा ओपी वाला डायनो है गाइस, ठीक है, इसका कतई ज़्यादा ओपी वाला डायनो है। अगर मैं इसको डाउन कर पाया ना तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, बट मैं 4 होल्ड में डाल देता हूँ। वो 5 अटैक्स आ चुके हैं, क्या बोल दी पब्लिक, ये रिस्क लेगा मेरे को डाउन करने का 5 अटैक डाल के? बोल नहीं सकता गाइस कुछ, बोल नहीं सकता, देखते क्या होता है। यार रिस्क लेगा, 5 अटैक डाल दिए यार, रिस्क ले लिया भाई। ओके ठीक है भाई, इसको पता था कि भाई 4 शील्ड तो कोई डालेगा नहीं भाई, ठीक है। चलो मेरे को इसको डाउन करना है, उसके बाद स्पाइनोसॉरस ही आ जाएगा भाई, ठीक है। मेरे को बस इसको डाउन करना है, उसके बाद स्पाइनोसॉरस आ जाएगा भाई, ठीक है। इरवी को बड़े आराम से भाई इसको डाउन कर दूंगा स्पाइनोसॉरस से बचने के लिए। यहाँ पे भाई मैं 1-2 शील्ड में डाल दूंगा एंड 1-2-3 होल्ड में डाल देता हूँ भाई, ठीक है। स्पाइनो को डाउन कर दिया ना तो मेरे हिसाब से अगला वाला जो पैची है ना वो मेरे को डाउन कर देगा, और फिर मेरे को फ्लैर से खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई प्लान में चेंज मार दे, क्या बोलते हो, क्या 4 के 4 अटैक देगा? अगर दे देगा तो मेरे लिए काफ़ी सही रहेगा। डायनो स्वाइप है भाई, 3 अटैक देगा तो क्या, तो 3 अटैक देगा। ओके ठीक है, यहाँ पे डायनो स्वाइप है, एक काम करते हैं, बेड बनाने का काम करते सिंपली, क्योंकि यहाँ पे जो ना भाई मैं कुछ खास कर नहीं पाऊँगा। ओके मैं खास कुछ कर नहीं पाऊँगा, अगर मैं टैपेजर को बेड बना लेता हूँ ना तो वो मेरे लिए काफ़ी सही रहेगा भाई फिलहाल के लिए। भाई 1 शील्ड था, काफ़ी बढ़िया, कोई ना, चलो मैंने यहाँ पे भाई 2 शील्ड में डाले, इसके बाद 6 अटैक्स है। मेरे हिसाब से मेरे को डाउन करने के लिए 6 के 6 अटैक डाल देगा भाई, ठीक है, देख लेते हैं चलो क्या होता है। या फिर 3-4 अटैक डालेगा, 6 के 6 अटैक डाल दिए, काफ़ी बढ़िया भाई, काफ़ी बढ़िया। मेरे को यही चाहिए था कि ये सारे अटैक अभी वेस्ट करे, क्योंकि अभी अपना जो है ना भाई कतई ज़्यादा कोलोसॉरस, क्या नाम है इसका, कोलोसॉरस जो भी इसका नाम है भाई, ये इसको डाउन कर देगा भाई। हिरवी को, हिरवी को 3 फटकों में डाउन, 1-2-3 शील्ड, 1-2 होल्ड में, बड़े आराम से भाई। थोड़ा सा हारने का भाई डर लग रहा था इस बैच में, लेकिन अपन जीत गए भाई डायनो स्वाइप कर करके, और अपने भाई टैपेज जरा खुचो ना अभी बेड बना के। अभी ये 4 के 4 अटैक देगा, क्योंकि अभी इसको समझ में आ चुका है कि इसका गेम बच चुका है भाई, ठीक है। क्योंकि स्पाइनोसॉरस ने 4 अटैक भी दे दिए तो भी मेरे को कुछ कर नहीं पाएगा, बट देखते चलो क्या करता है। होल्ड बिल्ड में डालना पड़ेगा इसको या फिर शील्ड में डालना पड़ेगा। ओके नाइस वन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मेरे पास 6 अटैक्स है, मैं बड़े आराम से इसको डाउन कर सकता हूँ, बड़े आराम से भाई, 2 होल्ड में और 2 शील्ड में। वाह बेटे वाह, खत्म खत्म, नाइस, ओपी बोल दे गाइस, एकदम ओपी तरीके से तुम्हारा भाई ये वाली बैटल जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी चली, लेकिन जीत चुका है भाई, ठीक है। शेख दर्द में भाई फुल ऑन तबाही मचा रहा है, ठीक है, लेट्स गो। चलो भाई टॉप 5 में एंट्री, सीधा टॉप 10 में एंट्री भाई, ठीक है। टॉप 5 में पूछने के लिए अपन को जो ना लगभग 300 ट्रॉफी चाहिए, 250 ट्रॉफी चाहिए भाई, मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी भाई। आज तो अपन टॉप 5 में एंट्री मार के रहेगा भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई। देख लेते भाई अपन को भाई जनरेशन 2 वाला वो ट्राइक जो है ना वो मिल पाता है कि नहीं भाई। ओ भाई साहब डीएनए में क्या बोला था, शेख दर्द में आपको डीएनए जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 120 ही मिला, उतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन ठीक है भाई, ठीक है, कुछ ना मिलने से अच्छा तो भाई 120 डीएनए ही मिल गया भाई अपन को। ओके तो गाइस इसी बैटल के साथ जो है ना आज का एपिसोड भी ये पे समाप्त करने का वक्त आ चुका है। तो गाइस आज का जो एपिसोड है शेख दर्द का वो आपको कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय, एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really.